नमस्ते। 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारे देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी स्वतंत्रता मिली है तो जो बड़े नेता थे उस समय, उन्होंने एकजुट आकर इस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को अपने कंधे पर लेकर वह चल पड़े। उनमें इन सारे नेताओं का जो प्रमुख स्थान था वो था पंतप्रधान पर, और भारत के पंतप्रधान जो पहले पंतप्रधान के नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते हैं उन्होंने इस देश की स्थिति को सुधारने के लिए, अपने देश की गरीबी मिटाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले पंतप्रधान के रूप में भारत का पद स्वीकारा और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतियों का इंतजाम किया। आज हम पंडित जवाहरलाल जी ने लिखे एक पत्र का पठन करने वाले हैं। जो पत्र उन्होंने लिखा है अपनी नन्ही सी बिटिया इंदिरा के लिए, उन्होंने उस पत्र में बताया है उस नन्ही इंदिरा को कि आदिम जीवन में, आदिम यानी पूर्व काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब उन्होंने खेती किस तरह से की, खेती का उपयोग करके खुद की सभ्यता को निवारा कैसे और उसके साथ खुद का विकास कैसे किया। उसी समय में गरीब और अमीर का मापदंड क्या था, जैसे कि गरीबी कैसे नापी जाती है, आज जिस तरह से रुपयों पैसों में गरीबी को नापा जाता है, तो उस आदिम समय में गरीबी और अमीर को किस मापदंड में नापा जाता था। उसी तरह से छोटी सी इंदिरा को बचत के फायदे, बचत कैसे की जाती है, रुपयों का मतलब क्या है और बचत करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, इन सभी बातों का बहुत ही आसान तरीके से नन्ही इंदिरा को समझ अपने पिताजी ने एक पत्र में दी है, जिसे आज हमें पढ़ना है। तो आज हम नन्हे इंदिरा बनने वाले हैं और ये जो पत्र है, यह पत्र हमें पंडित जी ने लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उनके शब्दों में हम इंदिरा बनकर खेत से आई तब्दीलियां, इस विषय का विवेचन जो अपने बच्ची के लिए पंडित जी ने किया है वो हम इंदिरा बनकर आज समझने वाले हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं खेत से आई तब्दीलियां।